आजकल देखो ना लोग अच्छे नहीं, वो देश को जो अच्छा स्वयं अच्छा नहीं है। अब देखो ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कुछ नेता ऐसे होते हैं ना कि जो जेल के अंदर हैं, वो जेल के अंदर से ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब बताइए, जेल के अंदर जो पड़े हैं सालों से, अब सोचो कि जो अपने आप को संस्कारी ना बना सके, जो अपना कल्याण ना कर सके, उन नेताओं से भला प्रजा का कितना, उनसे कितना उत्थान हो जाएगा उनकी जनता का। इसलिए संस्कार नहीं करते कि किस आदमी से समाज का फायदा होना, कि वो ये विचार किस आदमी से समाज का नुकसान होना, वो केवल राजनीति करना जानते हैं। उन्हें देश के हित से कोई लेना देना नहीं है। अब आप देख लीजिए, अब आप मुआयना कर लीजिए कि कौन सी पार्टियां हैं हमारे देश में जो जेल में रहने वाले लोगों को चुनाव लड़ा रही हैं, टिकट दे रही हैं। अब आपको निर्णय लेना है। इसलिए को कदापि चुना जाए लोगों, जो गलत लोगों को चुन रहे हैं, जो गलत लोगों को चुन रहे हैं, वो प्रजा को सही न्याय क्या दिलाएंगे? आप प्रजा हैं, आप जनता हैं, आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। हम किसको सपोर्ट करें, किसको सपोर्ट ना करें, हम शराबी का सपोर्ट करें कि दूध पीने वाले का सपोर्ट करें, हम ये भी निर्णय हमें करना है। पर याद रखना, सही निर्णय लेना। जो अपने देश के लिए काम कर रहे हों, जो देश के लिए सोच रहे हों, आपका मत उनके लिए होना चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचारी लोगों को टिकट दे रहे हैं, आतंकवादियों को टिकट दे रहे हैं, आतंकवादियों को चुनाव लड़ा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप अपना समर्थन देंगे तो बात वैसी ही हो जाएगी कि भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और पितामह जैसे दिग्गज चुप बैठे थे। क्यों? क्योंकि समर्थन समर्थन किन के लिए था? पितामह भी जैसे लोगों के लिए। और जब समर्थन दोगे तो तमाशा तुम्हें बैठे बैठे देखना पड़ेगा, तुम बोल भी नहीं सकते कुछ। इतिहास तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है, सीखना चाहो तो, और ना सीखना चाहो तो अलग विषय है, ठीक है। इसलिए जनता को चाहिए कि वो उचित न्याय करे। आप न्यायाधीश हैं इस समय, आप न्यायकर्ता हैं, न्याय कीजिए। पब्लिक आम कि आपका मुख्यमंत्री और आपका प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, है ना? उचित न्याय आपका हो, जो देश के लिए काम कर रहे हो, जो देश की रक्षा के लिए दिन रात लगे हैं, उन लोगों को ही हमारा सपोर्ट मिलना चाहिए। और ये आपको याद रखना चाहिए, उनको मेरी जात का है, मिटा दो अब जातवाद, खत्म कर दो, नहीं तो ये जातवाद तुम्हें मिटा देगा। तुम नहीं मिटाओगे ये जातवाद तो ये जातवाद तुम्हें मिटा देगा। भूल जाओ कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, ये समझो कि हम सब हिंदू हैं। और जो हिंदुओं के पक्ष की बात करे इस समय, वही आपका अच्छा नेता है। नेता है जो हिंदुओं के पक्ष की तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, क्या कर लोगे? इसलिए अपना मत, ये मतदान है, मतदान उसी को दान करना अपना मत जो योग्य हो। जरा से पैसों में बिक ना जाना, जरा से टमाटर और जरा से आलू के रेट पर ना बदल जाना, ठीक है। टमाटर तो महंगा होता रहता है, प्याज भी महंगी होती रहती है। सबसे बड़ा वेदन करूं देश है, और मैं आपको निवेदन कि आगे टमाटर सस्ता हो या महंगा हो, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि टमाटर महंगा है कि सस्ता है, डीजल महंगा है कि सस्ता है, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये होना चाहिए आगे चल करके कि पूरे भारत में शिक्षा सबके लिए फ्री होनी चाहिए,
बताओ आपको डीजल सस्ता चाहिए कि शिक्षा फ्री चाहिए? दूसरा, चिकित्सा, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। क्या फ्री होनी चाहिए? चिकित्सा, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। हमारी देश की माता बहन बेटी भाई इलाज के अभाव में, हमारे देश में चिकित्सा सबको फ्री मिलना चाहिए और शिक्षा, सांसद का बेटा, मंत्री मुख्यमंत्री का बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी स्कूल में वहां के टैक्सी वाले का बेटा भी पढ़ना चाहिए। ये शिक्षा जब हमारे देश में एक सी होगी तब हमारे देश का विकास होगा। ऐसी बातें करने वाला कोई नेता मिले तो जरूर अपना वोट उसे देना, पर अभी वर्तमान में ये दोनों बातें करने वाला कोई नहीं। लेकिन हम कोशिश करेंगे मुद्दों पर लड़े जाए। आज चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं कि किसान का बिल माफ कर दिया जाएगा, बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा और आपका फलाना बैंक का लोन माफ कर दिया जाएगा। अरे भाई, लोन और बिजली का बिल नहीं, आप सबको अब आवाज उठानी है कि लोन तो हम भरेंगे और बिजली का बिल हम देंगे। यदि माफ करना है, यदि देना है, तो चिकित्सा और शिक्षा दोनों सबके लिए एक सी कर दी जाए, सारे बच्चे एक स्कूल में पढ़ें, अर्थात अमीर का हो गरीब का हो। आज पढ़ाई का इतना अभाव है, 25 रुपए लगते थे मेरे महीने के फीस, गरीबी में भी देने की मेरी ताकत नहीं थी, 30 रुपए लगता था। हमारे मित्र लोग, दोस्त लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, पर हम लोग नहीं, हम नहीं पढ़ते थे, हम सरकारी में, हम 7वीं तक सरकारी में पढ़े हैं, जबकि हमारे दोस्त लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि उनके पास पैसे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने भी नहीं पढ़ा, हमने भी प्राइवेट स्कूल, हमने सरकारी में पढ़ा और हमें तो 6वीं क्लास में ABCD सिखाया गया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पैसा लगता भी कितना था, 30 रुपए लगता था महीने का। ये 2003 और 4 की बात है, 2001 2002 की बात है लगभग। उस जमाने में नहीं थे 30 रुपए के महीने का दें। तब हमने, हमारे दोस्तों को हम देखा करते थे कि वो देखो वहां पढ़ने जाते हैं, पढ़ने की इच्छा थी, इसलिए सरस्वती माँ ने यहाँ बिठा रखा, पढ़ने की इच्छा थी, पैसे नहीं थे, अलग विषय था, पर फिर भी हमने पढ़ाई की। हम दूसरों की पुस्तक लेते थे साहब, जब कोई 10वीं छोड़ देता था ना बच्चा, तो फिर हम उसकी पुस्तक ले आते थे, भाई साहब अपनी दे दो, तुम्हारी गणित की दे दो, तुम्हारी विज्ञान की दे दो, तुम्हारी कुछ मिलती थी कुछ नहीं मिलती थी। तो जो मेरे साथ हुआ है वो भारत के किसी बच्चे के साथ ना हो। शिक्षा पर सबका समान अधिकार होना चाहिए, बताइए हाँ या ना? तुम्हारा बाप बीमार पड़े या हमारा बाप बीमार पड़े, सबके लिए एक शिक्षा, एक ही हॉस्पिटल में दोनों एक चिकित्सा, चाहे अमीर का बाप हो, जिस हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री का इलाज हो रहा है उसी हॉस्पिटल में गांव के मजदूर का भी इलाज होना चाहिए। यदि यह व्यवस्था आ गई तो देश बदल जाएगा, तकदीर तस्वीर दोनों बदल जाए। लेकिन आज की पब्लिक, आज के नेता लॉलीपॉप तुम्हें केवल, तुम्हारा किराया फ्री कर देंगे, बसों में घूमते रहो, किराया फ्री लो, बिजली का बिल फ्री लो, पानी फ्री, क्या करोगे इस लॉलीपॉप से? क्या मिल रहा है? लेने की आदत छोड़ दो, मेहनत फ्री में कुछ ना लिया करो, डालो, मेहनत करेंगे हम, काहे फ्री में बिजली जलाएं, फ्री में का पानी क्यों पिए? फ्री की चीज ना लेना। पहले आदमी फ्री की चीज देता है, बाद में फिर बाद में अपने हिसाब से आपको चलाता है। गुरु द्रोणाचार्य को खरीद लिया था दुर्योधन ने, हम तुम्हें पैसा देते हैं अब हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, चलाया। जानते थे गुरु द्रोणाचार्य के दुर्योधन के संग में हूं, गलत हूं, पर फिर भी लड़ना पड़ा, भगवान के सामने खड़ा होकर लड़ना पड़ा। क्यों? जानते थे पितामह भीष्म कि मैंने नमक खाया है ना इसका, इसलिए इसकी बजानी पड़ेगी। इसलिए मेरे भाई, मतदान करो, दान करना है आपको, उसको दान करना है अपना मत जो आपकी सुनता हो, आपके पक्ष में काम करता हो। धारा 370 नहीं हटाई जाती ना तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हुआ था, काशी अलग से देश बन जाता। यदि हिंदुओं के हित में जरूर डिसीजन आपका लीजिए
कि आपके हित में कौन है इस भारत में अभी जो हिंदुओं की बात करता है, जो आपकी बात कर रहा है। मत देखिएगा कि ये महंगा है, फलाना महंगा है, ये देखिएगा कि आपके हित में कौन खड़ा है। इसलिए यदि आप लोग यदि ये देख लेंगे कि मैं इस जात का हूं इसलिए मैं इस नेता को वोट दे दूं, हैं देखो जो जेल के भीतर जातवाद के चक्कर में वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। देश को देखिएगा, जातवाद नहीं, अब तो मेरे देश का होना जरूरी है, मेरी जात का होना जरूरी नहीं है, मेरे देश का होना। देश होगा तो हम भी होंगे, देश नहीं होगा तो ना तुम रह जाओगे ना हम रह जाएंगे। इसलिए आपका अपना मत है, आपका अपना मत है, ईमानदारी से उस मत का दान मेरे विचार कीजिएगा। पसंद ना आए तो अपना विचार जोड़िएगा, पर निर्णय वही सोच लीजिएगा जो देश हित में हो। मैं नहीं कहता कि मेरी बात मानो, जो आपके लिए अच्छा सोचता हो, आपके लिए अच्छा करता हो, उसके लिए आपको करना चाहिए। देश की आजादी के 73वें गणतंत्र दिवस को हमने मनाया, 73 साल हो गए ना, लगभग 70 साल हो गए। 70 साल से किसने कश्मीर की तरफ देखा है? देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, किसने भगवान राम की तरफ देखा है? किसने देखा? सबको तो अवसर मिला था, बताओ, सबको तो अवसर मिला था, क्यों नहीं उस अवसर का फायदा तुमने लिया? इसलिए जो राम को देखते हैं हम भी उन्हें ही देखेंगे, ठीक है? जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। इसलिए आप लोग अपना विचार, अपना निर्णय गंभीरता से विचार करना, किसी के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अपना मत है, योग ज्ञान कीजिएगा, जिसे मतदान कहते, समाज का और देश का हित करना चाहता हूं, ठीक है? आगे आप स्वतंत्र हैं।